तो हम बात कर रहे हैं अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के बारे में। तो मेरे पास क्या है कि ये पर्सन के नेम्स हैं और ये आपका स्कैन रेट है। अभी स्कैन रेट क्या है इसको जानिए। क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा आता है, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर पे तो लगाते ही होंगे, जी लेकिन आप लोग एक्सेस कार्ड भी यूज करते होंगे ताकि आपका जो ऑफिस का दरवाजा है वो खुल जाए। कुछ लोग अपना थंब यूज करते हैं, कहीं कहीं पे जो मैटोमेटिक होता है, कहीं पे एक्सेस कार्ड सिस्टम होता है। जी हमारे इधर है सर, तो वो आई स्कैन करते हैं जब भी जाते आते हैं तो हाँ, तो आपका जो ए है एडमिन है, आपका जो एचआर है, वो क्या करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है कि आपकी जो पे अटेंडेंस आई है आपके टीम के द्वारा जी वो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जी जो मैच नहीं करता है उस पर क्लेरिफिकेशन मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए ना कि आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डायरेक्ट हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस से ही अटेंडेंस क्यों नहीं यूज कर सकते, तो ऐसा हर कंपनी में होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे बहुत सारी कंपनी जैसे हैं जो आउटडोर करते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय हैं जो कि वो ऑफिस का काम से डायरेक्ट घर से ही निकल जाते हैं। जैसे मान लो किसी किसी ऑफिस गुड़गांव में ऑफिस है और उसका आपका साउथ दिल्ली में या फिर फरीदाबाद में उनका कोई काम है, तो वापस गुड़गांव आएगा, ऑफिस में अटेंडेंस लगाएगा और फिर वापस फरीदाबाद या साउथ दिल्ली जाएगा, तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो लोग करते हैं कि हम ऑफिस घर से ही डायरेक्ट लोग काम करते हुए फिर ऑफिस आएंगे, या ऑफिस टाइम बचा तो नहीं आएंगे। तो ऐसे केसेस में अब उस दिन तो ऑफिस के काम से बाहर तो था पर ऑफिस नहीं आया, जिस कारण से उसका बायोमेट्रिक नहीं लगेगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उनका एक अटेंडेंस जो है मैनुअल उनकी टीम देखती है कि हाँ ये हमारे टीम का अटेंडेंस है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हमारी जो एचआर टीम है वो एडमिन से भी अपना सिक्योरिटी का जो भी उनका होता है, कुछ लेक्सिस कार है, कुछ बायोमेट्रिक है, कुछ आईएस के ना अलग अलग डिपार्टमेंट है यूज करते हैं और क्रॉस चेक करते हैं, और जहां उनको मिसिंग लगता है वो उस पे उनके डिपार्टमेंट से क्लेरिफिकेशन मांगते हैं कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये इस दिन को ये बंदा आया नहीं था, आप बोल रहे आया है, प्लीज क्लेरिफाई करो। तो फिर वो मैनेजर बोलता है कि आउटडोर गया हुआ था, इसने ये नहीं किया, आया तो था बट ये नहीं किया, वगैरह वगैरह जो भी होती है वो करते हैं। तो इनफैक्ट मेरे पास जो डेटा है, इतना स्टोरी करने का मतलब है कि मेरे पास जो डेटा है वो पूरे महीने का ये डेटा है कि वो किस दिन कितना बजे अपना कार्ड को पंच किया है। ठीक है, तो ये जो डेट दिख रहा है, डेट और टाइम दिख रहा है, कविता ने 6:01 को रात के 1 बजे कार्ड पंच किया है, रात के 12 बजे, 12:15, 1 बजे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि जो डेटा है ये डेटा में एक ही दिन में कई बार, क्योंकि जितना बार हम बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते हैं, उतना बार इसका यूज करते हैं, तो उतनी बार इसमें डेटा एंट्री होती है ना सर। जी तो यहां मेरे डेटा रिपीटेड है कि कविता एक ही दिन में 20 बार बाहर अंदर बाहर की है, तो 20 एंट्री हो गई। जी तो मुझे इसकी इसको यूज करते हुए हमें एक अटेंडेंस बनाना है कि हाँ किस दिन को कविता आई है या नहीं आई। जी तो इसके लिए हम पिवट का इस्तेमाल करें। तो राकेश जी समझ में आ गया हमें करना क्या है, हमारे पास डेटा क्या है। हाँ समझ में आ रहा है। चलिए शुरू करें। बिल्कुल तो हम यहां पिवट टेबल लगाते हैं, एक नई शीट में हमारी पिवट लग जाती है। हम नेम को रखते हैं रो में ताकि सारे यूनिक नेम लिस्ट आ जाए जो कि हमारे पास आ गया। फिर स्कैन डेट को हम कॉलम में रखते हैं। कॉलम में रखने के बाद इस तरह के प्लस साइन आते हैं, क्योंकि एक दिन में कई बार एंट्री है ना, जैसे देखिए साधु के तो कई बार एंट्री है तो सारा पूरा डेट आ जाता है, लेकिन हमें तो डेट बाय चाहिए, आवर्स से मतलब नहीं है हमें। तो यहां हम ग्रुप का यूज करते हुए हम इसको डे वाइज ग्रुप कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि अब मेरे हेडिंग में एक डेट एक ही बार आ रही है। ठीक है, जी तो ये स्कैन डेट को वापस हम यहां वैल्यू में रखते हैं जिससे हमारा काउंट निकल के आ गया, जिससे हमारा
काउंट निकल के आ गया। अब इसमें जो जहां जहां ब्लैंक है मैं वहां वहां जीरो करना चाहता हूं, तो पिवट टेबल में हमने गए और यहां फोर इंपैक्टिव सेल जीरो या जो भी देना चाहते हो आप डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है, और आप यहां देख पा रहे हैं कि हमने ऐसा यहां पे कर दिया लेकिन यहां सबसे दो चीजें हैं कि जो टोटल है मुझे टोटल नहीं चाहिए, जो टोटल लिखा हुआ है मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे इसकी मतलब नहीं। तो पिवट टेबल ऑप्शन में गए, टोटल एंड फिल्टर्स में हम यहां पे हटा दिए, तो टोटल हट गया जी। अब यहां मुझे क्या करना है कि जो टोटल नंबर्स हैं जो दिख रहे हैं आपको, इनको मुझे जो नंबर्स हैं इनको मुझे प्रेजेंट करना है, जो जीरो है अब्सेंट करना, मतलब जिस दिन कोई भी स्कैन उसकी नहीं हुई है इसका मतलब उस दिन वो आया ही नहीं है जी। तो यहां पे मुझे जीरो करना है, मैंने ये करना है मतलब कि अब्सेंट करना है जीरो को। तो राइट क्लिक करते हैं पिवट टेबल ऑप्शन में, और पिवट टेबल ऑप्शन में तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम यूज करेंगे अपना कस्टम फॉर्मेटिंग जो कि मैंने आपको पिछले कुछ क्लास पहले बताया था। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम, और यहां पे हमने बोला कि पी, क्योंकि इसके पहले से समझाया था कि पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा क्या होता है अपसेट। ठीक है सर जी। तो ये क्या करेगा कि पहला जो है पॉजिटिव नंबर के जितने भी है सब पे पी डाल देगा, 1 2 3 जो है वो भी, नेगेटिव नहीं है तो हमने यहां पे ब्लैंक छोड़ दिया, और तीसरा जो होता है प्लस हमारा जीरो का होता है, तो जहां जहां जीरो है वहां वहां ओके अब्सेंट कर देगा जी। तो राकेश जी समझ में आया हमारा ये तो डाउट इसमें? नहीं नहीं सीएस समझ में आया, लेकिन बट कस्टम में इन्वर्टेड में वो टेक्स्ट होता है तो एक में पी और एक में ए कैसे ले रहा है, इसे मतलब आपने कस्टम फॉर्मेटिंग भूल गए हैं सर ना? टेक्स्ट दोनों तो टेक्स्ट ही है ना, चाहे वो ब्लैंक ले या आप कस्टम फॉर्मेटिंग भूल गए हैं। आपको याद है कस्टम फॉर्मेटिंग जब पढ़ाया था तो हमने आपको एक आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए, आर्टिकल याद है माइक्रोसॉफ्ट? इस आर्टिकल में पहला पोजीशन ये है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव टेक्स्ट जीरो है। तो यहां हमने आपको ये समझाया था, यहां मैंने ये समझाया था आपको कि जैसे कि कोई नंबर आप लिखते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाते हैं कस्टम फॉर्मेट में, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया, हमने लिख दिया एमआरपी, करेक्ट, तो एमआरपी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको इसके आगे मैंने हैश जीरो कुछ ही डाला है तो 15 के जगह एमआरपी शो करेगा, करेगा करेक्ट। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ जो हम कोड डालते हैं उसके चार पार्ट होते हैं, चार इनपुट होते हैं, सिर्फ इफ फॉर्मूला लगाते हैं, वी लुकअप लगाते हैं, नीचे उसका सिंटैक्स होता है, चार सेंटेंस में चार इनपुट लेगा, ऐसे इसके अंदर भी चार इनपुट होता है। तो पहला होता है पॉजिटिव के लिए, तो जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वहां पे आपको एमआरपी डल जाए, लेकिन सेमी कॉलन करके मैं जैसे यहां पे डाला डिस्काउंट, तो अब जो नेगेटिव होगा ना उसके जगह पे डीआईएस लिखा हुआ है, तो माइनस में लिखेंगे तो डीआईएस लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आपका पॉइंट सही है, वो मुझे वो पॉइंट याद नहीं था, वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए पीछे की चीज पे प्रैक्टिस करने के लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज आगे किसी न किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम, हमने सेम चीज यहाँ पे अप्लाई किया और हमने अपना रिजल्ट आ गया, ठीक है, लेकिन ये जस्ट विजुअल है, हमने इसको बनाया है सिर्फ प्रिंट आउट के पर्पस से, समझ गए, प्रिंट आउट के पर्पस से हमने बनाया है।
अगर प्रिंट आउट के पर्पज से आपने बनाया है इसको, तो अगर मुझे, अगर मान लीजिए कि एक बार मैं दोबारा पिवट लगाता हूं, चलिए इसमें एक नई चीज सीखने में भी आ गई, तो अगर मान लीजिए मुझे इसको रियल में पी और ए करना हो तो कैसे करें? अगला चैलेंज हमारा ये है, अगली टॉपिक हमारी क्या है कि ये जो हमने बना लिया बट दिस इज यूनिफॉर्म विजुअल, एक्चुअल में हमारा जीरो ही है ना जी, तो इसके ऊपर हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, देख सकते हैं, बट कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते, कंडीशन वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी, पी के ऊपर नहीं कर सकते, ए के ऊपर नहीं कर सकते, मुझे काउंट करना है कि टोटल पी कितना है, तो पी से काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज नंबर। तो ऐसा क्या क्या करें जो हम इसको नॉर्मल कर ले? अगली टॉपिक हमारी यही है। तो अगली टॉपिक में हम बात करें कि हमारे पास इस तरह का बायोमेट्रिक डेटा है कि किस दिन किस पर्सन ने कितना बार अपना कार्ड, अपना स्किन और थंब पंच किया। तो अभी अभी हमने आपके सामने एक अटेंडेंस बना के दिखाया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज किया जिससे पी और ए विजुअल है, बट मुझे एक्चुअल पी और ए चाहिए। तो पिवट से डायरेक्ट तो नहीं होगा, हमने शुरुआत में बताया था कि पिवट टेबल हमें सपोर्ट करता है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो यहां भी सपोर्ट करेगा। मैंने यहां पे नेम ले लिया, यहां पे मैंने स्कैन डेट ऊपर रख दिया, और यहां हमने स्कैन डेट का काउंट यहां पर रख दिया सर जी। तो ये आ गई, अगर मान लिया ग्रुप नहीं होता था तो उसको क्या कर लेते, ग्रुप कर लेते डेट वाइज, यहां पे काउंट है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसकी पिवट को हटाना है, रिमूव करना है, क्योंकि तो आगे जो काम हम करने जा रहे हैं वो पिवट टेबल नहीं कर सकता है जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिवट को रिमूव करेंगे। पिवट कैसे रिमूव होता है सर, पता है आपको? आप कॉपी कीजिए, इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू कर दीजिए, आपका पिवट टेबल इस एरिया से रिमूव हो जाएगा। हो गया रिमूव, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं। अब मेरा डेटा बन गया। अब मेरा काम यहां पर यह है कि जो पी है, जो मैं जो नंबर्स है उसको पी में कन्वर्ट करना है, और जो ब्लैंक्स है उसको ए में करना है। तो कैसे होगा? रिप्लेस कर देंगे सर? नहीं, रिप्लेस भी नहीं कर सकते। रिप्लेस आप ए कर सकते हैं, रिप्लेस ए को रिप्लेस करेंगे पी से, फिर अगेन बी को, फिर अगेन सी को, एक ए वन को ए पी करेंगे, फिर दो को पी करेंगे, फिर तीन को, तो नौ बार नंबर है उतनी बार करना पड़ेगा, लॉजिक यहां फिट नहीं बैठ रहा सर जी। और दूसरा बात है, मान लीजिए किसी यहाँ पे तो नंबर दस से नीचे है, अगर 11 हुआ तो डबल पी आ जाएगा। तो क्या करें यहाँ पे? तो यहाँ पे हम मदद अपनी मदद लेंगे फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल। ठीक है, गो टू स्पेशल में मैंने यहाँ पे कंटेन को सिलेक्ट किया, और कंटेन में मैंने बोला कि सिर्फ नंबर्स है, तो इस सिलेक्टेड एरिया में जितना भी नंबर होगा ना सर वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा जी। ब्लैंक जो है यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ जी। अब मैं यहाँ एक पे पी लिखूंगा और क्या करूंगा सर, एंटर मार देंगे, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, एंटर। ठीक है जी, तो जितना सिलेक्टेड है कन्वर्टेड टू पी। अब ब्लैंक को मुझे क्या करना है, ए करना है, रिप्लेस कर देना ब्लैंक को ए से। तो ब्लैंक से रिप्लेस भी कर सकते हैं आप, रिप्लेस भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल जी में भी ऐसा ऑप्शन, मतलब कि जो फाइनल सेलेक्ट में जहां आपने ब्लैंक लिया था ना, नंबर्स लिए थे, उसी में आपको यहां ब्लैंक्स का भी ऑप्शन है, ब्लैंक को सिलेक्ट करो और यहां पे कर दो ए, कंट्रोल ए लिख दो, और यहां पे कंट्रोल ए, कंट्रोल एंटर मार दो, नॉट कंट्रोल ए, कंट्रोल एंटर जी। हो गया, इस तरह से आप यहां पे कर सकते हैं। क्लियर है जी? जी हेलो राकेश जी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या सर? लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, वो दिखा रहा था 28% और एक बैक बंद हो गया।
अब यहाँ जो दूसरी डेटा है, हमने पहले डेटा तो समझ गया ना, पहले डेटा की रिपोर्ट हमने कैसे बनाया। बिल्कुल समझ में आया। अब दूसरी डेटा में आते हैं। अब दूसरी डेटा में मेरे पास एक डेटा थोड़ा सा सेग्रीगेटेड है कि कितने बजे इन हुआ है और कितने बजे आउट हुआ। कितने बजे इन हुआ है और कितने बजे आउट हुआ। तो हमें यहाँ रिपोर्ट बनाना है कि मनी सबसे पहले कब आया और सबसे बाद में कब गया, क्योंकि यहाँ भी रिपीटेड है, अंदर बाहर होते रहता है, रिपीटेड है डेटा। तो हम बात कर रहे हैं बायोमेट्रिक डेटा में कि हमारे पास नेम है और कितने बजे इन हुआ है और कितने बजे आउट हुआ है, इसकी रिपोर्ट बनानी। तो हमने सिलेक्ट किया क्योंकि हमें डेटा रिपीटेड है, तो हो सकता है कि कई बार लोग अंदर बाहर किए हैं, तो उसका मैंने बायोमेट्रिक डेटा आ गया है। तो हमने पिवट लगाया। पिवट लगाने में हमने नेम को रखा रो में ताकि लिस्ट ऑफ नेम आ जाए, और इनको उठा के रखा कॉलन में। और जहां तक हमने बताया था आपको लास्ट वीडियोज में भी कि हम यहाँ पे ग्रुप पे जाएंगे और सिर्फ डेज वाइज ग्रुप कर लेंगे। हो गया ग्रुप। अब इसके बाद हम इन को यहां रखेंगे, अगेन आउट को यहां रखेंगे। अब काउंट आ रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे वैल्यू फिक्स सेटिंग में, इनको बोलेंगे कि मिनिमम मैं सबसे पहले, क्योंकि डेट एंड टाइम जो होता है एक्चुअल में होता तो डेट एंड टाइम है बट दिखता नंबर है, तो इस तरह से आपको नंबर्स में दिखेंगे। और आउट को हमने कर दिया मैक्स, ये आपका मैक्सिमम आ गया, ठीक है। पर नंबर दिख रहे हैं आउट को मैक्सिमम, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, टाइम, और ये अपना टाइम जो है डाल लीजिए कि क्या टाइम है, ठीक है। और यहां पे आप दीजिए, यहां पे दीजिए इन। अब इन डालने के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इन नाम का ऑलरेडी फील्ड है, तो यहां आपको इन भी शो करना, जैसे एक स्पेस डाल दीजिए इन हो जाएगा। और यहां पे कर दीजिए हमारा आउट, एंटर मारिए, स्पेस देके एंटर मारिए, आउट हो गया। और बेटर दिखाने के लिए आप पिवट टेबल ऑप्शन पे जाए, इसको मर्ज कर दें ताकि ये मर्ज हो जाएगा, और जहां जहां ब्लैंक था ना वहां वहां कर दीजिए ए, क्योंकि हाँ ब्लैंक की जगह पे कोई भी कर सकते थे, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप फॉर्मेटिंग कर ले, और जैसी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो टोटल एंड फिल्टर यहाँ से हटा दीजिए ताकि टोटल एंड फिल्टर ना दिखे। वहां पे पहले वाले में था कि अपना एब्सेंट प्रेजेंट दिखा दिया, इसमें टाइम इन आउट और एब्सेंट दिखा दिए। अब आपको इस डेटा को लेना है और आपको रिसर्च करना है, इस फाइल में आप लोगों को भेज देता हूं, रिसर्च करना है कि इसमें ये दिखाना है कि कितने आवर्स हुए, ठीक है, टोटल आवर्स कितने हैं आपके यहां पे शो कर। ये आप लोगों का होमवर्क है आज का।